तो बेटा वहाँ पे जो कोई है ही नहीं तो आप कैसे खेलूँगा ना तनुआ आ जाएगा तो तनुआ आ जाए मैं तो मैं तनु आ जा तभी चले जाना तो है ना अभी शाम हो गई है और मैं आज आज काफी दिनों से शाम से ही ब्लॉक शूट कर रही हूँ शाम से ना व्लॉग स्टार्ट किया था तो यहाँ पे शाम का खाना पीना अब शाम से और रात का खाना पीना डिनर की तैयारी चल रही है तो वहाँ तनु को मैं होमवर्क भी करा रही थी जैसे कि आपको पता है क्या ट्यूशन मैंने डाला है तो उधर उसकी पढ़ाई भी चल रही है और स्कूल में भी एडमिशन हो गया है तो अब उनकी क्लासेज वगैरह सब चालू हो जाएंगी मंडे से ही सो इस वजह से आ, सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे लाइन पर आ रही है लाइफ सो so, शाम का टाइम आ, हो गया है तो भी बर्तन वगैरह हैं वो भी क्लीन करने हैं और अभी मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ तो ये पालक था जिसे साफ़ करके धो के अच्छे से और मैंने कुकर में डाल दिया है कट नहीं करूँगी इसको ऐसे ही बॉईल करूँगी तो थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या बनाने वाली हूँ तो किसी ने मुझसे कहा था पनीर की रेसिपी बताइए तो पनीर की रेसिपी तो हर मतलब बहुत सारी होती हैं तो धीरे 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 मैं शेयर करती चली जाऊँगी आपके साथ पनीर की जो जो मुझे आता है ठीक है ना अभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में पालक पनीर की रेसिपी वैसे मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ पर आप लोगों को बहुत पसंद आती है सो तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं मैं दोबारा शेयर करती हूँ क्योंकि कुछ लोग तो नए जुड़ते ही हैं मेरे साथ चाय पुरानों का साथ छूटता जाता है पर नए नयों नए, नए जो लोग हैं ना वो मेरा हाथ पकड़ते जा रहे हैं तो फिर उनके साथ भी शेयर करना बनता है सो so, इस वजह से तो यहाँ पे क्या है पालक वगैरह को मैंने चढ़ा दिया है थोड़ी सी चीनी डाल दी है पालक का कलर बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है और थोड़ी सी चीनी डलती ही है ऐसी सब्जियों में जिससे एक जो टेस्ट है ना लेवल में रहता है तो यहाँ मैं इतने उसके तड़के की तैयारी कर लूँगी तो प्याज वगैरह छील लेंगी जिससे मेरा और काम बच जाए तो प्याज वगैरह छील के अदरक वगैरह सब छील छाल के रख लूँगी क्योंकि इन सब का मुझे पेस्ट बनाना है ठीक है तो चलिए रेसिपी भी देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ बहुतों को पता होगा बहुतों को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ बहुत सिंपल एंड ईज़ी तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनता है सच कहूँ तो हमें तो बहुत पसंद आता है जब से तो मैंने घर में बनाना शुरू किया है तो मैंने क्या डाला है जीरा डाल दिया था इसमें ना तेज वेज पत्ते की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो मैंने सिर्फ जीरा इसमें ऐड किया है तो आप चाहे तो वैसे ना जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ना इनफ रहता है इससे ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए नहीं होता है और फिर उसके बाद जीरे के बाद मैंने प्याज डाल दिया है प्याज डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से भून लूँगी बढ़िया तरीके से और भूनने जब वो प्याज अच्छे से भून जाएगी तो इसमें अपनी क्वांटिटी के अनुसार मैंने इसमें है ना दो छोटी चम्मच मतलब उसमें वो डाल लिया है बेसन बेसन इसमें बहुत मैंने देखा है बहुत से बहुत लोग बेसन यूज़ नहीं करते हैं आपने देखा होगा जब कभी हम साग वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी हम बेसन का आटे का मक्के के आटे का कि हर चीज़ का कोई भी आटा हो उसका हम आलन देते हैं आलन ही कहते हैं हमारे में तो मतलब उसका एक वो देते ही देते हैं जिससे जो साग है ना वो छित्रा बिथरा ना लगे मतलब अलग अलग ना लगे एक लय में लगे एक जैसा दिखाई दे वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना बाइंडिंग का काम करता है बहुत बढ़िया होता है तो मैंने बेसन डाला था वो अच्छे से भून लिया मैंने बढ़िया तरीके से फिर उसके बाद मैंने टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था लहसुन था नहीं मेरे पास तो आप लहसुन भी डाल सकते हो पर वो प्याज में डाल के पीस लेना तो ठीक है इस पर ना बड़ी वाली प्लेट है ना मिली नहीं रही थी जल्दी हाथ पड़ी नहीं और मैंने छोटी वाली ढक दी तो टमाटर डाल दिया अब इसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया इसे बढ़िया तरीके से जब तक ये खूब अच्छे से तेल छोड़ दे तो देखिए तेल भी छोड़ दिया है टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और बढ़िया है तरीके से अच्छे से और चला के मैं इसको दो से तीन मिनट और पकाऊँगी ऐसे ही चलाते चलाते जिससे अच्छे से जो हमारा बैटर है ना वो तैयार हो जाए और आप इसमें है ना पालक का जो पानी होता है ना उसको ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा जिससे ये बैटर और अच्छे से भुन जाए ठीक है अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी नमक धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये सब हम ऐड कर लेंगे और जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो सब हम ऐड करेंगे और अब इस टाइम पे आप चलाएंगे अच्छे से आप चाहे तो जब प्याज और बेसन भुना था ना उस टाइम पे भी मसालों को भून सकते थे बट मैं ज़्यादातर है ना टमाटर डालने के बाद ही भूनती हूँ सो मैंने इस तरीके से करा है तो देखिए बहुत ही अच्छा जो ग्रेवी सी तैयार हो गई है तो इसे ढक के है ना बहुत अच्छे से पकाना है जिससे ये तेल छोड़ने लग जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए क्योंकि ऐसी सब्जियों में है ना मेन बात यही होती है कि भूनना उसे अच्छे से भूनना अब इसके अंदर मैंने मलाई डाल दी है घर वाली कम थी थोड़ी सी सो so, इस वजह से पर आपके पास हो तो अच्छी से डालना तो मैंने वो डाल दिया है और अच्छे से चला लिया है चला दिया है और बस इसे थोड़ी देर और रख देंगे जिससे मलाई का भी है ना ऑयल बना रहे इसके अंदर आ जाए और मलाई भी पक जाए उसके बाद जैसे हो जाएगा उसके बाद है ना हम आ, जो पालक हमने वो बॉयल किया था उसको ठंडा करके मैंने पीस लिया और उसके बाद है ना मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है ठीक है अभी आपको जो कलर है कुछ अलग लग रहा होगा तो पर अभी अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा जब अच्छे से मैं मिला दूँगी तो बिल्कुल ग्रीन कलर आएगा जैसे पालक पनीर का होता है और आपने अभी देखा मैंने पानी डाल दिया था इसमें क्योंकि उसमें पालक लगा हुआ था सो इसलिए और अगर आपको लगे थोड़ी सी गाढ़ी है या आपको थोड़ी सी पतली करनी है क्योंकि अभी ये पकेगी अभी ये कम से कम पाँच से सात मिनट पकेगी सो इसलिए मैंने पालक वाला ही पानी डाल दिया है और पता है पालक जो है ना एक गड्डी भी पूरा नहीं था बहुत थोड़ा सा पालक था और उबलने के बाद तो वो और थोड़ा रह गया तो अब घर की क्वांटिटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना घर में बच्चे भी हैं और मेरे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं सब्जी को सो तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब है ना रनी रनी सी सब्ज़ी बनाई है तो हम सूखी सूखी नहीं रखे तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना तो इसे मैंने पाँच से सात मिनट और पकने दिया था और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया पनीर आप चाहे पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं अब मैं इसे और दो से तीन मिनट और पकाऊंगी जिससे पनीर के अंदर जो वो है ना सारा जूस थोड़ा सा अब्ज़ॉर्व करे पनीर बहुत बढ़िया हो जाए और देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर दिया है और हमारी जो सब्ज़ी है बन के रेडी है दो मिनट और पकाएंगे बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको बस सब्ज़ी जो है बहुत रेडी है अगर आपके पास मलाई हो तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं ठीक है और इसमें थोड़ा सा नींबू जरूर निचोड़िएगा ठीक है नींबू निचोड़ने से क्या होता है सब्जी का जो है ना स्वाद है ना बहुत बढ़ जाता है तो मैंने देखे हल्का सा गर्म मसाला डाल दिया है और एक नींबू डाल दूँगी तो बस मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कैसी लगी कैसी नहीं लगी पालक पनीर सच में हम तो जब से घर में बनाने लगे हैं हमने बाहर का छोड़ दिया खाना तो और बहुत ही कम पैसे में बन भी जाता है बाहर तो बहुत महंगा आता है तो कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को चलिए मैं तो चली खाने मेरा तो मुँह में पानी आ जाता है मुँह में पानी आ जाता है ये देख के ना सब्जी को और एक्चुअली रोटी रखी हुई है मैं जैसे आप लोगों को बताया मैं टाइम पे खाने की कोशिश कर रही हूँ तो अभी रोटी रखी हुई है दो से तीन रोटी रखी हुई है तो मैं सोच रही चलो मैं अपना अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ ठीक है तो चलिए मैं तो खाने चली आप भी खा लीजिए फिर मिलेंगे बाय बाय एंड टेक केयर